हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों? ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है जो आपको मिस कर रहा है, इसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये आपको मिस कर रहा है। पर्सन है, पार्टनर है, एक्स है, दोस्त है, कॉलीग है, कज़न है, कोई भी पर्सन। ये तो डिपेंड करेगा कि कार्ड्स में क्या आता है। तो पहले हम पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे, साइंस देखेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे, और फिर उसके बाद हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या है जो इसको इसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकेंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों? ठीक है, साथ साथ मैं रेलेवेंट डेक्स निकाल लूँ जिससे मुझे कॉम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए रीडिंग को। देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius and Knight of Pentacles. Knights की एनर्जी है। इस पर्सन से आपका ताल्लुक बहुत गहरा नहीं रहा है। गहरे से मुराद ये कि एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, और एज में आपसे ये छोटे हो सकते हैं, आप इनसे बहुत छोटे हो सकते हैं। आपने इनको शायद मिसजज किया, या इस पर्सन ने आपको मिसजज किया। दोस्ती से बात शुरू हुई, और जबकि लेट मी सी द फूल, ओके, ये पर्सन तो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाह रहा है। एयर साइन है। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम और हर, ये पर्सन आपसे बहुत बेइंतहा अनकंडीशनल इसकी मोहब्बत है। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि फ्लर्ट वाला मामला या चार दिन की चांदनी, शब्बर रहा चर्चा तेरा वाला मामला नहीं है। हालांकि बहुत सरफेस पे आप लोगों का रिश्ता रहा, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं था, लेकिन इस पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप बहुत रफ़ हैं या बहुत रूड हैं, और आपने इनकी अनकंडीशनल मोहब्बत की कदर नहीं की। हो सकता है इन्होंने भी रियलाइजेशन बहुत बाद में की हो, और इनको ख़ुद भी अंदाज़ा होता हो कि मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर और मेरी टोन जो है वो उसमें किसी का भी गुजारा जो है ना वो मुश्किल है। को जाके ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, जो आपको मिस कर रहा है, वो आपको भी उस नज़रिए से देखता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन आपके भी कुछ अपने मिजाज हैं, आपकी भी कुछ अपनी आदतें हैं, और आप भी लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिकॉज आपको लगता है कि अटेंशन हो, वक्त हो, मोहब्बत हो, साथ हो, टाइम हो, जो भी हो, वो बहुत प्रेशियस होता है। और कुछ आगे के ऐसी मोहब्बत जो कि इतनी अनकंडीशनल होती है, तो उसकी तो कदर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मामला आप दोनों के दरमियान ज़रूर रहा, बट इन एनी केस ये पर्सन आप दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। यानी ये भी नहीं देखना चाह रहा कि इसका कदम कहाँ पड़ रहा है। एक इसको जॉय फील हो रहा है, किसको एक हैपनिंग और एक्साइटमेंट फील हो रही है कि आपको इस शिद्दत तक महसूस करने लगता है और मिस करने लगता है अपनी फैंटेसी में, अपने इमेजिनेशन में, कि इसको लगता है कि जैसे इसके ख्वाब ख्यालों में तमाम चीज़ें फ़िक्स हो गई और ये किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन पता नहीं रियल सिनेरियो क्या है, क्योंकि शायद आपने अब आगे देखेंगे कि क्या वजूहत है। लेकिन अभी जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, उसके साइंस यही नज़र आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत फूटे पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फूटे पड़ रही है। समझ में भी नहीं आ रहा कि क्यों इतनी खिंचाव, इतना मोहब्बत ज़्यादा फूटे पड़ रही है। प्लस इसको गुस्सा है आपके ऊपर किसी बात को लेकर,
और इसको अपनी लॉजिक अपनी लगती है, आपकी लॉजिक नहीं कोई लॉजिक लगती, इलॉजिकल लगता होगा आपका स्टेटमेंट, आपका ओपिनियन किसी भी बात को लेकर, एंड डेफिनेटली आपसे दोबारा से रिकनसाइल और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके पास कोई मेगा चीज़ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन सॉलिड है, अगर थोड़ा सा इसको साइन मिले तो ये दोबारा से चांस लेने को तैयार है। लेट्स सी कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द एम्परर, एरीज। इसको जो ये जो पर्सन है ना, एज में तो डिफरेंस नज़र आ रहा है काफ़ी मेगा, पहले भी मैं बात बता चुकी थी और अभी भी बता दूं, ये पर्सन बाज़ दफ़ा ख़ुद ही अपनी एनर्जी में ना उलझ सा जाता है, क्योंकि जब कभी भी अकेले बैठकर आपको मिस कर रहा है तो इट्स ऑल फाइन एंड इट्स ऑल ओके। प्लस इस पर्सन को ये लगता है कि हम दोनों के दरमियान जो भी मामला रहा वो अच्छा तो बहुत कम रहा, लेकिन बुरा फेज़ ज़्यादा टाइम तक के लिए रहा और अब बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी इतना वेट करना किसी बात को लेकर, इतना डिले करना, इतना पेशेंस दिखाना, अब तो चीज़ों को दरगुजर कर देना चाहिए। क्या वल्ला आलम आप दोनों के दरमियान मामलात रहे होंगे। प्लस अगर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो इस पर्सन को पता है कि आप टैरो रीडिंग या तो करते हैं या आप टैरो रीडिंग देखते बहुत ज़्यादा हैं, और आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जो क्रिस्टल बॉल करके स्पिरिट्स बुलाना, ये तमाम चीज़ें इनका, इनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये पर्सन ये तो ज़रूर जानता है कि आप टैरो रीडिंग के थ्रू इसकी एनर्जी को चेक करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा उस सोर्स को जो है ना इग्नाइट करता है कि ये इससे तो उसको पता चल ही जाएगा, इससे तो उसको अंदाज़ा हो ही जाएगा। लेकिन ये इंसान आपके रिस्पॉन्सेस को जब कहीं नहीं नोटिस करता कि सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसके अटैम्प्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो क्या ये तमाम चीज़ें मेरे एंड पर भी खुराफात हैं, क्या मेरे एंड पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे भी टैरो रीडिंग की लत लग गई है, मैं भी टैरो रीडिंग्स देखता हूँ, वो भी टैरो रीडिंग्स देखती है, मतलब इस तरह की बातें। लेकिन उसके एक्शन में वो चीज़ें कभी भी रेजोनेट नहीं करती जो मुझे या उसकी व्यूअरशिप में आती, यानी कि जैसे कंटेंट आप देखते होंगे वैसा कंटेंट वो देखते होंगे, या फिर वाकई आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप इनकी एनर्जी को सेंस कर लेते होंगे और पिक कर लेते होंगे। और ये पर्सन, आप अपने एंड पर अपना कोई कथारसिस और कोई अपनी मेडिटेशन करते हैं, ये अपने एंड पर कोई कथारसिस और अपनी मेडिटेशन करता है, बिकॉज आपके सामने क्रिस्टल बॉल है और इमेजेस हैं और उसके सामने एक मैप पड़ा हुआ है। दोनों के पास कोई ना कोई एक ऐसी एबिलिटी है, कोई ऐसा टूल है जिससे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को वाइब भेज सकते हैं कि जैसे क्या मिसिंग एनर्जी है, क्या मिसिंग एलिमेंट है, क्यों मिस किया जा रहा है। ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके मैनेजर, आप हो सकता है आपको लीड करते हों, या फैमिली में हों तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े एज में बड़े हों, हेड ऑफ़ द फैमिली हों, और आप बहुत साइलेंट रहते हैं, आपने सब कुछ बहुत साइलेंटली बर्दाश्त किया है, बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया, बहुत ऑब्जर्वेशंस रखी, लेकिन उसके बावजूद भी एक हर दफ़ा कुछ अटेम्प्ट करने में आपको नहीं पता होता था कि तीर जो है वो निशाने पे जाके लगेगा या नहीं, तो आप अपने एंड पर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे इनको कोई सिग्नल मिले जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ये फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो सकता है, जो भी है बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि ये क्यों इस तरह की एनर्जी में है, क्योंकि ये खुद भी बहुत एरोगेंट हैं, सोचते बहुत हैं, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं होता। हवा में तीर चलाने वाली बात होती है कि जो है किसी और के थ्रू किसी और से बात कर ली, किसी और से आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन डायरेक्टली आपसे बात नहीं की। लेकिन आज ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो सही मायने में आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है वो ये कि ये विद द एस ऑफ कप्स आपके मोहब्बत करने वाले अंदाज को नहीं भुला पा रहा है। इसको बहुत लग रहा है कि यार अगर मुझसे कोई बात भी हुई थी, कोई खफगी भी हुई थी, तो इतना टाइम नहीं देना चाहिए, चीज़ों को स्लाइड रख लेना चाहिए, कांटेक्ट कर लेना चाहिए, सब कुछ इनकी तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी इनको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप इनको लगता है कि आप जानबूझ के इनको इग्नोर करते हैं, ये आपके सराउंडिंग में ही मौजूद हैं, आपके आसपास ही हैं, लेकिन उसके बावजूद मांगने पर भी आप इनको ना वक्त देते हैं ना तवज्जो देते हैं,
और ना ही इनको प्रायोरिटी देते हैं। आप दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेस करते हैं, दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा मौजूद हैं और इनके लिए मौजूद नहीं हैं। आपकी लाइफ में हर एक्टिविटी चल रही है जिसको सब नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आप इनको जानबूझ के लेफ़्ट आउट फील कराते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप एक पब्लिक आई में हैं, आपको लोग जानते हैं, आपका सर्कल बहुत बड़ा है, आपको आपके नाम से लोग जानते हैं और पहचानते हैं। आपके कपड़ों का स्टाइल, रेड कलर कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट आपका पहनना होता है, और लोग आपकी अप्रिसिएशन आपको बहुत देते हैं, लोग आपको हौसला बहुत देते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल गाइड हैं, आपको अप्रोच करना आसान है, आपको रीच करना आसान है, आपको कॉन्टैक्ट करना आसान है, और आप हर किसी के लिए हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन इनको आप डिलिब्रेटली, क्योंकि एस ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका जो फेम है वो इस मामले के बीच में जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है। फेमस होने के लिए सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है, फेमस होने के लिए पॉलिटिशियन होना ज़रूरी नहीं है, कोई सोशल एक्टिविस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी फील्ड में, अपने घर में रहते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए इस तरह के हो सकते हैं कि हर पर्सन की नज़र आप पर होती होगी। फेमस यूँ भी होता है इंसान। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये अपने टेम्परमेंट को भी इन्होंने बहुत रिफ्लेक्ट किया है, अपने मिजाज को, अपनी ज़बान को ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, और इनको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़, कुछ कमी है, मुझे तो सभी छोड़ गए। अब लोकेटेड, यानी कि यहाँ पर जो एक बुरी नज़र की जो लिजर्ड है वो तक जान छोड़ गई कि मैं क्या तुझे बुरी नज़र लगाऊँ, तू ही मुझे बुरी नज़र लगा रहा है, और ये कैट आप देखें वो तक इसको छोड़कर जा रही है। तो दैट मीन्स कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे हैव सीरियसली रियलाइज कि इनको अपने एटीट्यूड पर, अपनी टोन पर जो है वो ध्यान देना चाहिए, और ये दोबारा से उन चीज़ों को एक रिवाइंड बटन देकर दोबारा से उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि मामला जो हैं वो ठीक हो जाएं, सेटल हो जाएं। एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट, ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या अगर आपने गेस कर लिया है तो जैसे मैंने कहा था, ये आपके मेंटोर, आपके बॉस, आपके लीडर, आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर, या कोई भी ऐसे पर्सन जो कि अपर हैंड होगा इनका, ये वो रहे होंगे। आपके इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, आपने कुछ वक्त के लिए इनसे कोई ट्यूशन्स ली थी, और ट्यूशन्स सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ट्यूशन्स किसी भी काम के लिए होती हैं। कोई ट्रेनिंग में आपके ये आपके मेंटोर थे, आपने इनसे कोई योगा सीखी है, कोई मेडिटेशन सीखी है, कोई आपके स्कॉलर टीचर रह चुके हैं, या आपने इन्होंने आपको कुछ सिखाया ज़रूर है, या फिर आपने इनको कोई ऐसा साइकोथेरेपिस्ट डीलिंग आपने इनकी ऐसी की है कि जिससे ये आपके साथ जुड़ से गए हैं। ये चाहें भी तो अपने आप को नहीं छोड़ पाते, जब ये खुद भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, और मेडिटेशन की फॉर्म हर किसी के लिए अपने हिसाब से होती है, तो आपका चेहरा, आपका वजूद, आपकी चीज़ जो है ना, इनके जहन में आ जाती है, और ये बिल्कुल अंधेरे में भी तीर चलाने वाली पोजिशन में जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आँखें बंद हैं, और यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और वो ऑफ़र करने को तैयार है। तो टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या ये आप खुद मैरिड हों और इनके आपके साथ अटैचमेंट डेवलप हो गई, और बहुत जल्दी सब चीज़ें शुरू होकर ख़त्म हो गई हों, जिस वजह से भी द फूल कार्ड और एम्परर कार्ड। ये इंसान वैसे देखा जाए तो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, लेकिन इसकी खुद की जो है ना ईगो सामने आ रही है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको थोड़ा सा घमंडी समझते हैं, मगरूर समझते हैं, इनको लगता है कि आप अपनी ही कंपनी में सेल्फ सफिशिएंट हैं, और आप वैसे भी हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना अर्न करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल अपने तरीके से जीते हैं, आप एक लिमिटेड टाइम तक ही लोगों की कंपनी को इंजॉय करते हैं, फिर एक आपको एक मी टाइम, एक अलोन टाइम, एक आइसोलेशन, एक सॉलिट्यूड में रहने की आपको आदत है, तन्हाई पसंद है आप, और आप ना किसी और को जज करते हैं, ना कोई आपको जज कर सकता है कि आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स, आपकी फितरत, आपकी नेचर, आपकी लाइकिंग क्या है। आप बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं, आपकी स्टाइलिंग, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट होगा। आपके पास बहुत अच्छी सी गाड़ी होगी, बहुत डिज़ाइनर ब्रांडेड, यानी आप अपने हद तक अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। आपका आपकी अपीरियंस पर्सनालिटी की ऐसी है कि कोई देखता होगा तो समझता होगा कि यार दो तो लोडेड है ये ब्रांडेड चीज़ों से, लेकिन आप बहुत, आपको कैरी करना ना बहुत अच्छी तरह आता है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप एक फ्री स्पिरिट हैं, और अलाउ करते हैं कि फ्री स्पिरिट रहो, तो ये पर्सन के जहन में ये भी है कि ये अवेलेबल होगा या अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है ये हमेशा से अकेला है या अकेली है, तो ये अभी भी अकेली होगी।
और अगर मैं इसको कांटेक्ट करूं, मैं इसके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग करूं, तो ये मौजूद होगी. शी मस्ट बी ओनली वेटिंग, या ही मस्ट बी ओनली वेटिंग फॉर अ सिंगल टेक्स्ट मैसेज और कॉल. लेकिन ये ईगो इनकी खुद के आड़े आ रही है. शायद ये इनकी पहले की अजम्पशन हो सकती है जिन्होंने पहले की होगी. एंड ओवरऑल एनर्जी फाइव ऑफ वॉन्ड्स की है. पंचायत बहुत है, मिस कर रहे हैं तो पंचायत बहुत ज़्यादा है. जो भी पर्सन है, अगर जिसको भी आप इसमें गेस कर सके कि ये कौन है, लोगों की पंचायत बहुत है, गॉसिप बहुत है. जिनके साथ इनका उठना बैठना है वहाँ आपके मुतल्लिक बहुत गॉसिप होती है, और जिसकी वजह से आपने शायद इनसे ताल्लुकात को डिटैच कर लिया होगा, और आपकी आपने उन्हीं लोगों के साथ अपना निभा कर लिया होगा जो लोग जो हैं गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं. रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो वाला मामला. और आपने इन्हीं गॉसिप लेडीज़ की वजह से वो ख़त्म कर दिया होगा मामला कि ना भाई मुझे ऐसे चक्करों में रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही बता रही है कि आप अकेली तन्हाई पसंद हैं, और ये इस तरह की ख़वातीन का जो झुरमट है जो कि सिर्फ बकवासें और गॉसिप करते हैं वो आपको नहीं पसंद. जिसकी वजह से इनको बहुत डेस्परेटली फील होता है कि यार वाकई उसका जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ठीक है, ना शिट में रहो और ना ही शिट बेयर करना पड़ेगा. तो इस वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये रियलाइज़ कर रहा है कि किस तरीके से इतने सारे लोगों के साथ रहो तो भी इंसान अकेला होता है, और अकेले रहो तो वो तो अकेला होता ही है. लेकिन तस्कीन, सुकून और ख़ुशी किस तरह रहने में है उसकी मिसाल शायद आपने कायम की है, और ये पर्सन आपको इसी वजह से मिस कर रहा है कि यार वो अपने अंदर आप ही एक मिसाल है. लेट्स सी हियर, और देखते हैं. ओके, बड़ा मज़ेदार कार्ड आ गया. नंबर 6 हारमनी, ये लवर्स का कार्ड है. तो लग रहा है कि कोई आपका ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहा. आपकी बहुत सारी तस्वीरें इस तरह के पोज में हो सकती हैं इसके पास, और वही वाली बात जो मैंने कही थी कि अभी मामला शुरू ही नहीं हुआ था कि ख़त्म हो गया. तो ये हो सकता है एक टेम्पररी फेज़ रहा हो ये पर्सन आपको जो भी मिस कर रहा है. नंबर 6, और इसकी फीलिंग्स डिफरेंट थी, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट थी. रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, पार्टी की है आपने इसके साथ, खूब सारी भी या थोड़ी सी भी या जैसी भी की है, सेलिब्रेशन मूड है, हल्ला गुल्ला बहुत किया है, इन्जॉय बहुत किया है. लेकिन कोई तीसरा भी था आप लोगों के दरमियान. स्पिरिचुअल यूनियन, ये डेस्परेटली पर्सन चाहता है कि आपके साथ रिकनसाइल कर ले जो भी आपको मिस कर रहा है, और आपका सोलमेट भी हो सकता है. मुझे तो यहाँ पर एक्स वाइफ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मिस करने पर तो क्या बुराई है, मिस कर ले ना, एक्शन ना ले, लेकिन मिस करने में तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है. ठीक है, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस फॉर दी एनर्जी. डिसेप्शन एंड एनवी, रश का आता है इस पर्सन को आपके ऊपर. उसको लगता है कि जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी इस तरह गुजारनी चाहिए वो ये गुजार रहा है या गुजार रही है, और इनको धोखा महसूस होता है. इनको लगता है कि सब कुछ फरेब था जो मुझे दिखाया गया. काफ़ी इमोशनल विड्रॉल है. ग्रीन कलर है, ये कप्स को रिप्रेजेंट करता है. ये एट ऑफ कप्स है, तो दैट मीन्स के ये कभी कभी सोचते भी हैं कि यार मैं इस फरेब को ख़त्म कर दूं, मैं इसके ऊपर नज़र रखूं, मैं चेक करूं कि इसकी क्या कर रहा है या क्या कर रही है. इन्होंने कुछ ऐसा मास्क या कोई फेक आईडी बनाई हुई है जिस पर ये आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन इनको फील होता है कि आप अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप आगे बढ़ चुके हैं, और इनको इस बात का काफ़ी पेन होता है. लेकिन आपकी तरफ से नो पेन नो गेन वाली बात चल रही है. सो दिस इज़ द पर्सन. अपना शेडो साइड नंबर 18, इट्स अ डेविल एनर्जी. तो ओके, विद द थ्रॉट चाक्रा, बोलना चाहते हैं, कोई ये बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं डेफिनेटली, और एक्सप्रेस करना चाहते होंगे, इसलिए भी मिस कर रहे होंगे. चॉइसेस बना रहे हैं लेकिन डिसीजंस नहीं ले पा रहे. बिल्कुल एम्परर वाली एनर्जी है. सो इट्स वेरी क्लियर कि ये पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन में है, और कोई हकीकत इनको ज़रूर पता चली है, कोई ट्रुथ इनके ऊपर ज़रूर रिवील हुआ है, जिसकी वजह से इनको आपकी याद और भी ज़्यादा आ रही है. कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं. कुड बी अ लॉट. ठीक है, तो हु इज़ मिसिंग यू, वाई, ये भी मैंने बता दिया, साइंस बता दिए, रीजंस बता दी. कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.